वनडे वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर ने भारतीय टीम के 15 खिलाड़ियों के नाम का ऐलान किया है। श्रीलंका के कैंडी में हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अजीत आगरकर के साथ साथ टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा भी मौजूद थे। भारत में खेले जाने वाले वर्ल्ड कप की शुरुआत 5 अक्टूबर से हो रही है, जिसमें भारत का पहला मैच चेन्नई के मैदान में ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा। भारतीय टीम इस तरह से है: रोहित शर्मा कप्तान, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव। श्रीलंका में चल रहे इस समय एशिया कप में जो भारत के 18 मेंबर वाली टीम चुनी गई थी, उन्हीं में से 15 खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप के लिए चुना गया है। एशिया कप टीम में मौजूद तिलक वर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा और संजू सैमसन को वर्ल्ड कप में जगह नहीं मिली है। टीम इंडिया में युजवेंद्र चहल को भी जगह नहीं मिली है। वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत इस वर्ल्ड कप में अपना पहला मुकाबला 8 अक्टूबर को चेन्नई के मैदान में ऑस्ट्रेलिया के साथ करेगा।